हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक में यहां पे क्या फाइनेंशियल चल रहे हैं, किस कारण से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। और ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें। देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक जब आईपीओ आया था ये बवाल मचाया हुआ था, और करीबन यहाँ पे 75 रुपए की लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक 160 के लेवल तक पहुंच गया था। अब बताओ 160 के लेवल से स्टॉक गिर 50% करेक्ट हो गया है, 50% स्टॉक करेक्ट हो गया है। अभी ये जो कारण है वो चीजें यहाँ पे हमको देखनी पड़ेंगी, और जो मेन कारण है वो यहाँ पे इसके फाइनेंशियल हैं। और फाइनेंशियल अगर मजबूत हैं तो कोई भी चीजें यहाँ पे कारण नहीं बनती हैं। यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो करीबन यहाँ पे 35,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है, और आरओसी अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, और फेस वैल्यू स्टॉक की जो बेसिक है यहाँ पे वो देखने को मिल रही है 10। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे। देख सकते हो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक किस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, करीबन यहाँ पे 75 रुपीज के आसपास, 76 रुपीज के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था। उसके एक हफ्ते के अंदर इसने 158-160 का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव कर लिया था। देख सकते हो तीन ट्रेडिंग सेशन ही ये, और चार ट्रेडिंग सेशन ये, चार ट्रेडिंग सेशन में ये 160 का लेवल टच किया, और उसके बाद जितने भी ट्रेडिंग सेशन होते गए कंटिन्यूअसली फॉल दिखाई पड़ा। एक आध दो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा अपसाइड मिला, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। और अभी करेंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज के आसपास यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो कारण थे, देखिए एक तो भावेश अग्रवाल ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया था यहाँ पे ट्विटर पे, उसके कारण भी यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट की, यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए वो यहाँ पे शानदार नहीं थे। ये देख सकते हो सेल्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे 1200 से अगर हम दो तीन क्वार्टर ही यहाँ पे तो सेल्स इंक्रीज हुई है, बट उसी हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई। और इनकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज के डेट में भी यहाँ पे माइनस ही देखने को मिल रही है। तो इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आया इनके शेयर पे। और अगर हम बात करें साल दर साल की, साल दर साल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे 2021 से स्टार्ट हुआ, और 2021 में जो सेल्स थी बहुत कम थी। आज के डेट में यहाँ पे 5000 करोड़ का जो सेल्स है वो यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे कंपनी ने अचीव कर लिया, ये अच्छी बात है। बट इनकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे माइनस में ही कंटिन्यू बनी है, माइनस 1584 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे बहुत बेकार चीज है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इनके पास जो रिजर्व है वो जो पहले रिजर्व प्लस में था वो रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो माइनस 3000 करोड़ के, 2900 करोड़ के आसपास माइनस में है। उधारी भी इन्होंने अच्छी खासी ले रखी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी ये पे करेंगे, नहीं पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में इन्होंने पैसा जरूर लगाया है, 713 करोड़ के आसपास कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा डाला है, बट वो काफी नहीं है। तो थोड़ा सा कंपनी को एक्शन लेना चाहिए और फंड राइज करके यहाँ पे कंपनी को राइट ट्रैक पे लाना चाहिए। ज्यादा उधारी का पैसा ना हो, इन्वेस्टर का पैसा हो तो चलेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, बट अगर बैंक से लोन लेके कर्जा लेके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। इसी कारण से यहाँ पे कंपनी ने आईपीओ भी लाया था कि यहाँ पे पैसे जो है वो भी आ जाएंगे, और जो इन्वेस्टर है जिनको निकलना है वो भी एग्जिट कर सकते हैं। इस कारण से इसका जो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, और आईपीओ के बाद जबरदस्त यहाँ पे बम्पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने के बाद पूरा का पूरा जो बड़े प्रमोटर थे उन्होंने दबा के माल छोड़ा, और फिर से प्राइस यहाँ पे स्टॉक प्राइस 80 रुपीज के आसपास आ गया है। तो वो चीजें यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इन्वेस्टर में यहाँ पे जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास यहाँ पे 36% होल्डिंग है, पब्लिक के पास यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है 48%, एफआईआई के पास
4% DII के पास, 5%। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग बड़े प्लेयर के पास नहीं है। मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है, मैं पहले भी बताया कि पब्लिक के पास चली गई है, पब्लिक को दे दिया गया है। बड़े प्लेयर क्या किए हैं, प्रॉफिट बुक कर लिए हैं और एग्जिट कर गए हैं। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब तक यहाँ पे फाइनेंशियल इंप्रूव नहीं हो जाते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। जब फाइनेंशियल इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे या FII DII की होल्डिंग या प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ेगी, उस टाइम पे एंट्री लेना सही रहेगा। क्योंकि उनको अपने कंपनी पे जो प्रमोटर होता है उसको पता होता है कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, फ्यूचर में ग्रोथ कैसे आने वाली है। FII DII की भी सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी पता होती है, उसके बाद ही वो लोग यहाँ पे स्टॉक को पिक करते हैं और अपना स्टेक बढ़ाते हैं। तो जब उनका स्टेक बढ़ने लगे तभी यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। उनके स्टेक बढ़े बिना अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे नुकसान करोगे। ये जो वीडियो था ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से था, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम में ये अच्छा स्टॉक था, बट अभी जो मोटे मोटे प्लेयर जो पहले चालू नहीं किए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में काम करना, वो चालू कर दिए हैं। बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, सारे के सारे यहाँ पे जो है वो काम करना चालू कर दिए हैं। बजाज ने तो CNG बाइक भी लॉन्च कर दी है। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, ये होंडा, ये सारे चीज यहाँ पे कंपनियां अपने अपने जो बाइक हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अभी ओला इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने वाली है। तो उस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा अभी आप संभल के काम करें। जिन लोगों के पास शेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाएं, बट यहाँ पे एड ऑन करने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें।